अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। डेयर मैथ चैनल में आज हमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करने हैं, तो आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर हमें गिवन है जी साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, और हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये एक रैशनलाइजेशन केस है। जब रैशनलाइजेशन केस होता है तो हम फिर इसका ये साइन चेंज करते हैं और इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसका साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन यू बनेगा। आप इसे लिखिए एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी के साथ, और डिवाइड करेंगे एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी के साथ। ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस ए माइनस लिखेंगे एक्स प्लस बी, और इसे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, डी एक्स लिखिए, और डिवीजन में होगा एक्स प्लस ए और आप लिखें इसका स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस बी इसकी स्क्वेयर रूट और इसका स्क्वेयर। ये देखिए, हमने क्योंकि ये ए प्लस बी था और ये ए माइनस बी बना हुआ है, तो आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे। यहाँ से स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो बचेगा वो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी होगा। डिवीजन में हमारे पास यहाँ से एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी और डी एक्स बचा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो सकता है, आप इसे कैंसिल कीजिए, बाकी बच गया आपके पास एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। डिवीजन में आ जाएगा ए माइनस बी और डी एक्स। अब आप इसको ए माइनस बी को बाहर निकालिए, ए माइनस बी, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन यू लिख दीजिए एक्स प्लस ए 1/2 और साथ में होगा डी एक्स। अब ये ए माइनस बी इसके साथ भी आएगा, आप इसे लिखिए ए माइनस बी साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी रेज टू पावर 1/2 और डी एक्स होगा। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पावर छुपाने से एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव आगे है, तो फिर पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। ये हमारा रूल है जी कि एक्स प्लस ए में पावर में 1 ऐड करें 3/2 बनेगा और उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह यहाँ देखें, ये तो रहेगा वैसे ए माइनस बी, बारी आ गई इसकी एक्स प्लस बी की। अब एक्स प्लस बी की ये पावर आप छुपा दें, पावर को इग्नोर करें, तो एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है वो एक्स डी एक्स है और बी कांस्टेंट होते हैं इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स है। जो पावर का डेरिवेटिव आगे हो तो फिर पावर में 1 ऐड होता है और उसी से डिवाइड करते हैं। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 बनता है, और जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो हम उसे सी लिखते हैं। अब आपको लास्ट स्टेप में सिर्फ इतना करना है कि ये जो 3/2 है इसे उलट कर 2/3 बनाना है। जब हम इसे 2/3 बनाएंगे तो जो 3 है वो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा और एक्स प्लस ए की पावर वैसे रहेगी। इसी तरह ये बन जाएगा 2/3 इंटू ए माइनस बी और एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3/2 और प्लस सी हो जाएगा। ये है आपका आंसर। पार्ट नंबर 2 एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये एक से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम हो जाए या नोमिनेटर की पावर बड़ी हो जाए, तो दोनों सूरतों में आपने इसको डिवाइड करके इस इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को प्रॉपर फ्रिक्शन में बना लेना होता है। ये इम्प्रॉपर बनती है ना इस तरह से, तो हम इसे प्रॉपर में बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप देखें कि 1 - x², मैं इसे डिवाइड करके, यानी इसको डिवाइड करके 1 + x² से हमने डिवाइड करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 - x² बन जाएगा। साइन इनके आप चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, 1 + 1 2 बचेगा। अब आप अपने इस क्वेश्चन को -1 + 2 और डिवाइडेड बाय 1 + x² लिख सकते हैं, यानी आपने जो आंसर होता है वो पहले लिखना होता है, प्लस जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर,
जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइज़र है, तो वो नीचे आता है। अब आप इसको ना इंटीग्रेटेड लदा लदा कर दें, यानी डी एक्स आ जाएगा टू, और डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर होगा। डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स, तो माइनस डी एक्स क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। और अब याद रखिए ये फार्मूला है, डेरिवेटिव है किसी का, अगर आपको नहीं याद तो यहाँ देखें, ये डेरिवेटिव है टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। आपने ये डेरिवेटिव पढ़ा था 2.5 एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, तो वहाँ इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव थे। तो इसका मतलब है इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी ना वो बनेगी टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, और यही इसका आंसर है जी। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है कि एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वेयर रूट डी एक्स, ये भी डिवीजन में है, ये भी रैशलाइजेशन केस है, इसी तरह ही होगा जैसे हमने ये किया। आप बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल उतने ही स्टेप इसके भी बनेंगे कि एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वेयर रूट, इसका ये साइन चेंज कीजिए, और एक्स प्लस ए माइनस स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए माइनस स्क्वेयर रूट एक्स कर दीजिए। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे, तो एक्स प्लस ए स्क्वेयर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर रूट, डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस ए होल स्क्वेयर माइनस होगा एक्स का स्क्वेयर, साथ होगा डी एक्स, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से काट देंगे हम। हमारे पास होगा एक्स प्लस ए माइनस हो जाएगा स्क्वेयर रूट एक्स, डिवाइडेड बाय होगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स और डी एक्स, ये एक्स इस एक्स से कट गया, बाकी बचा वन बाय ए। आप उसे यहाँ लिखिए बाहर, और एक्स प्लस ए पावर इसकी बना दीजिए 1/2। इसी तरह से माइनस 1/a इसके साथ भी लिखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इसकी पावर ए है 1/2, और साथ में डी एक्स, इसका डी एक्स रह गया, चलिए ये यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब पावर छुपाने से एक्स का डायरेक्टर डी एक्स है कांस्टेंट जीरो, जैसे हमने वहाँ पे एक्स ए का कांस्टेंट का जीरो था बिल्कुल सेम, उसी तरह इसने होना, तो 1/a एक्स प्लस ए की पावर बन जाएगी 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2। इसी तरह से 1/a एक्स की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2। अब हम इसको उलट देना तो इसका आंसर, मतलब ये सिर्फ 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, इसमें भी 2 ऊपर 3 नीचे जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा जी। तो माय डियर यहाँ पे 2 बाई 3 ए एक्स प्लस ए 3/2 प्लस 2/3 ए एक्स प्लस 3/2 प्लस सी हमने कर लिया, बस उसको हमने उलट कर 2/3 ए बना लिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो जी जनाब ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और इसमें हमने आज चंद एक पार्ट किए हैं, बाकी हम इससे आगे नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।